तो हाथ, घुटने और कमर, ये तीनों की हड्डियां बेरहमी से तोड़ी गई। गौ मास का भक्षण करते हैं, मिलके उसकी हत्या की प्लानिंग की और उसको मारा है। उसी डुमरखी ढाबे के ठीक 100 मीटर के आगे एक झाड़ी है, उस झाड़ी के पास सुजीत सोनी मृत पड़े हुए हैं। जिन लोगों ने इन्हें इतनी बेरहमी से मारा है वही लोग इस तरह की हरकत कर सकते हैं जो गौ तस्कर से जुड़े हुए थे। प्रशासन अभी भी सचेत नहीं होता है तो प्रदेश स्तर पर हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। एक अपडेट का अब तक इंतजार है कि गनियारी में हुए एक कांड को लेकर के जिस तरह से दादी और पोती को बेरहमी से मारा गया, पुलिस अब तक वहां क्यों नहीं पहुंच पाई। चुनाव और तनाव में एक शब्द का ही फर्क है, और फिलहाल चुनाव तो पूरी तरह से हो चुके हैं, अब तो इंतज़ार है परिणाम का, लेकिन तनाव खत्म नहीं हो रहा है। देश में लगातार तनाव वाली स्थिति, तनाव वाली खबरें लगातार आते रहती हैं, और ऐसी खबरों को लेकर के हमेशा स्क्रीन पर हम लोग आते रहते हैं, आप लोगों से बातचीत करते रहते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि बाहर की जो हवा है, जो फिज़ा है, वो किस ओर रुक करके बह रही है। उसके रुख को बदल तो नहीं सकते, लेकिन कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं उसके रुख के बारे में सरकार तक बात पहुंचे। लेकिन जब सरकार पर आरोप लग रहा हो और आरोप लगाने वाले कौन हैं उसके बारे में आपको जानकारी मैं दूंगा। सबसे पहले आपको 27 तारीख को एक मामला हुआ था, इसके बारे में जिक्र लगातार हो रहा है इस वक्त छत्तीसगढ़ में, और जिसको लेकर के मैंने सोचा कि बात करना भी ज़रूरी है, और ज़रूरी इसलिए तय हुआ क्योंकि इस विषय पर, जो कि बलरामपुर में घटना हुई है, और इस विषय को लेकर के छत्तीसगढ़ के जिला दुर्ग में इसकी कॉन्फ्रेंस ली गई। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं, और आपको आज तफ्तीश से वो सारी डिटेल, वो सारी कहानी बताऊंगा जो कहानियाँ पिछले 27 तारीख की हकीकत थी। हकीकत उस रात की, जब एक शख्स के पास फ़ोन आता है, वो थोड़ी दूर जाता है और उसके बाद एक ढाबे के पास करीब 100 मीटर दूर अगले दिन उसकी लाश मिलती है, उसकी लाश के साथ एक और शव मिलता है, वो शव एक महिला का था। दोहरे हत्याकांड को लेकर के लगातार जो है इस तरह की खबरें आती रहती। मैंने पहले ही जिक्र किया था क्योंकि गनियारी हत्याकांड एक मामला है जिसमें भी दोहरे हत्याकांड को लेकर के जिक्र हुआ, जिसको लेकर के अब तक किसी भी तरह का कोई ताल मटोल नहीं हुआ है, किसी भी तरह का कोई परिणाम सामने नहीं आया है, सिर्फ जांच चल रही है। अब ऐसे ही बलरामपुर वाले मामले में भी जांच को लेकर के बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ में विश्व हिंदू परिषद भी है, बहुत कुछ में बजरंग दल भी है, बहुत कुछ में हिंदू संगठन के बहुत सारे लोग भी हैं, बहुत कुछ में तमाम उन व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लग रहे हैं कि सुजीत सोनी को इंसाफ मिलना चाहिए, सुजीत सोनी नहीं रहे, उन्हें जिस तरह बेरहमी से मारा गया और जिस तरह से उनके बारे में जांच आई, जो फर्स्ट रिपोर्ट आती है पोस्टमार्टम की, उसमें ये सारी चीज़ें तय होकर के आई, तो उसमें ये क्लियर हो गया कि उनकी निर्मम हत्या की गई थी। लेकिन ये हत्या कैसे की गई, किस कारण से की गई और इसके पीछे और क्या क्या वजह थी, ये अब तक जाँच में क्लियर नहीं हुआ है। जो कुछ क्लियर हुआ है वो ये है कि 27 तारीख रात के समय करीब 11 से 12 बज रहे थे, अचानक से सुजीत सोनी जो है, जिनकी उम्र महज 25 साल है, उनके पास फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला शख्स कौन, करने वाला नहीं बल्कि वाली, फ़ोन करने वाली जो शख्स थी वो किरण काशी नाम है, उम्र 22 साल है, और उसके बाद ये लोग वहाँ से डुमरखी ढाबा है, एक बलरामपुर में एक डुमरखी ढाबा है, वहाँ पर सुजीत सोनी अपनी स्कूटी से जाते हैं रात के समय, और रात के समय जाने के बाद परिवार वालों ने कई बार पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ जानकारी नहीं दी। 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, इस तरह से समय बीतता रहा, रात और अंधेर होती रही, और इसी बीच घर वालों को लगा कि हो सकता है कि कुछ ज़रूरी काम से गया हो, लेकिन अब तक लौटा नहीं, तो चिंता बनी हुई थी। बस इसी चिंता का विषय लिए ये लोग थाने पहुँचते हैं, थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि अब तक सुजीत सोनी, जो बजरंग दल का जिला संयोजक है बलरामपुर में, वो अब तक लौटे नहीं है। उसके बाद पुलिस जांच करती है, जब जांच के दौरान पता चलता है कि अगले दिन सुबह उसी डुमरखी ढाबे के ठीक 100 मीटर के आगे एक झाड़ी है, उस झाड़ी के पास सुजीत सोनी मृत पड़े हुए हैं, उनकी
बॉडी बेसुध पड़ी हुई है और साथ ही साथ उनके साथ जो महिला जिनका नाम मैंने बताया कि किरण काशी जिनकी उम्र 22 साल थी वो भी पड़ी हुई है। अब इस मामले को प्रेम प्रसंग से लेकर के भी जोड़ा जा रहा था, हालांकि बाद में पुलिस ने ये तय किया और बताया कि प्रेम प्रसंग को लेकर के इसे नहीं जोड़ सकते क्योंकि मामला इस एंगल का नहीं है। तो मामला किस एंगल का था, क्या मामला धर्म से जुड़ा था, क्या मामला किसी और वजह से जुड़ा था? अब किसी और वजह की बात करूं तो एक हफ्ते पहले ही जो सुजीत हैं उन्होंने एक गौ तस्कर को पकड़ा था और उसके खिलाफ़ कंप्लेन कराई थी। सुजीत इससे पहले भी कई दफ़ा गौ तस्करों को पकड़ करके उनके खिलाफ़ कंप्लेन करा चुके थे, उनके खिलाफ़ कार्रवाई करा चुके थे, ऐसा जो हिंदू विश्व परिषद के लोग हैं, जो बजरंग दल के लोग हैं, उनका मानना है। और उसके बाद से जो ये सारी चीज़ें थी इसको लेकर के जोड़ा जा रहा था कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस वजह से भी जिन लोगों ने इन्हें इतनी बेरहमी से मारा है वही लोग इस तरह की हरकत कर सकते हैं जो गौ तस्कर से जुड़े हुए थे। कैसे क्या क्या कुछ हानि हुई है, हानि जिस तरह से जन हानि तो हुई है, दो लोग तो नहीं रहे, लेकिन उनके साथ किस तरह से मारपीट गई उसका एंगल अगर आप देखेंगे तो हाथ घुटने और कमर ये तीनों की हड्डियां बेरहमी से तोड़ी गई और यहाँ तक कि जो किरण काशी है उनके गले की हड्डी भी टूटी हुई थी और ये भी बताया गया कि गला काटने की भी कोशिश की जा रही थी। अब इन तमाम मामलों को लेकर के बलरामपुर पुलिस जो है वो लगातार जांच करने की, अब जांच हो रहा था, एक तरफ बॉडी मिला है, दूसरी तरफ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार होना भी बेहद ज़रूरी होता है। अंतिम संस्कार के लिए सुजीत सोनी के अंतिम संस्कार के लिए बलरामपुर और जो किरण काशी जिनकी उम्र 22 साल थी उनके अंतिम संस्कार के लिए उन्हें मानिकपुर भेजा गया। मानिकपुर में उनका ससुराल है। अब ये बताया गया कि अपने मायके में ही, मतलब शादीशुदा थी किरण काशी और अपने मायके में ही, ससुराल में नहीं रहती थी, अपने मायके में ही रहती थी। तो ये एक कन्फ्यूज़न ये है कि किरण काशी कौन है, किरण काशी से का इन सारे केस से क्या ताल्लुक़ है। उस रात को जब फ़ोन आता है किरण काशी का सुजीत के पास तो सुजीत वहाँ पहुँचता है, तो क्या किरण काशी को हथियार बनाया गया था, क्या किरण काशी को वो बेस बनाया गया था कि इसके ज़रिए वो शख्स वहाँ पे पहुँचे जिसको मारना है, ये सारी चीज़ों पे भी जांच पड़ताल जारी है। एक हफ्ते पहले जैसे मैंने बताया कि जिस वजह से गौ तस्करी को लेकर के मारपीट हुई थी, जो बछड़े को एक शख्स ने मारा था जिसको लेकर के ये कंप्लेन हुई थी और अपने इस जो कांड हुआ बलरामपुर में, इससे ठीक कुछ देर पहले ही सुजीत सोनी ने व्हाट्सएप में एक स्टेटस डाला था, उसमें उन्होंने लिखा था कि जिनके साथ ऊपर वाला है उनका नीचे वाला क्या बिगाड़ सकता है, और सीढ़ी से उतरते हुए भी एक तस्वीर थी, उस तस्वीर को मैं आपके स्क्रीन पर चला रहा हूँ इस स्क्रीन पर ताकि आप देख सकें। और ये पूरा मामला अब तक जाँच का विषय बना हुआ है, इसमें पुलिस पर भी आरोप है क्योंकि एक तरफ और एक खबर आती है जिसमें ये बताया जाता है कि वहाँ पर जो है बिजली के तार थे, बिजली के तार की वजह से वहाँ पर झटका लगने से भी मौत हुई है, लेकिन जो पहली रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम की उसमें ये तय हुआ है कि मारपीट हुई है। तो मारपीट होने के आधार पर बिजली के तार का प्रसंग जोड़ना शायद बेकार है और इसी के साथ साथ प्रेम प्रसंग को भी दरकिनार कर दिया गया। अब जाँच का विषय गौ तस्करी और धर्म को लेकर के जिस तरह से डंका बजाते थे सुजीत सोनी, उससे चिढ़े हुए कुछ लोगों की भी इसमें हामी बताई जा सकती है। इन तमाम मामले को लेकर के लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में बवाल मच रहा है, लगातार लोग बातचीत कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया, लगातार जिनको जानकारी नहीं भी है वो भी अपने व्हाट्सएप में स्टेटस लगा रहे हैं कि उनको पता भी नहीं है कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि अब तक ये जाँच का विषय है इसलिए किसी भी तरह से इस पर कुछ बोलना ठीक नहीं। ये हो गई बजरंग दल जिला संयोजक सुजीत सोनी और किरण काशी की बात। किरण काशी को लेकर के अभी भी क्वेश्चन मार्क है, लेकिन इसके बाद आते हैं हम भिलाई में। सुपेला में इंडियन कॉफ़ी हाउस में एक कॉन्फ्रेंस होता है और कॉन्फ्रेंस लेने वाले शख्स जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद जिला दुर्ग के मनीष बुचासिया हैं। मनीष के साथ तमाम वो लोग थे जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े थे, कोई किन्हीं अन्य संगठनों से जुड़ा हुआ था। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने तमाम सारी चीज़ें बताई। तफ्तीश से बताते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से सुजीत सोनी को मारा गया उसके ऊपर जांच होनी चाहिए और उन्होंने कुछ मांग की है। तीन मांगे हैं। पहला,
सीबीआई जांच की, दूसरा मुआवजे में 1 करोड़ रुपए उन्हें देने की, और तीसरा है जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको बर्खास्त किया जाए। बर्खास्तगी इसलिए क्योंकि लगातार जिस तरह से पुलिस के रवैये को लेकर के ये लोग बोल रहे थे कि पुलिस जो है जिस तरह से बिजली के तार वाला एंगल सामने आया, तो इसको लेकर के जो वहाँ के जो लोग थे वो गुस्साए हुए थे। उन्होंने उस दिन चक्का जाम कर रखा था और NH 343 को पूरी तरह से घेर रखा था, ना गाड़ी उधर से आ पा रही थी ना गाड़ी इधर से जा पा रही थी। और उसके बाद तमाम कोशिशों के बाद जब वहाँ पर SDM पहुँचे, बलरामपुर के SP पहुँचे और तमाम सारे लोग पहुँचे, तो उनसे बातचीत की गई और उसके बाद भीड़ को तो हटा लिया गया, लेकिन जो भीड़ जिस तरह से बवाल बन करके लोगों के मन में चल रही है उसे उसके अंदर से वो सारी चीज़ कैसे हटाई जाए, इसको भी लेकर के लोगों का काफ़ी कुछ कहना है। अब इन तमाम मामलों को लेकर के जो विश्व हिंदू परिषद के लोग थे उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये आप इस वीडियो में पहले देखिए। आज की प्रेस वार्ता का विषय था कि बलरामपुर ज़िले में वहाँ के बजरंग दल के सह संयोजक सुजीत सोनी स्वर्णकार हैं वो, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी 27 मई को, और हत्या बड़े ही क्रूर रूप में की गई और तड़पा तड़पा के उनको मारा गया। सुजीत जो है वो गौ तस्करी रोकने में बहुत आगे था और संगठन के कार्य को लेकर बहुत गंभीर था, तो वहाँ के कुछ गौ तस्करों ने ऐसा प्रतीत होता है और ऐसा कुछ बहुत सी चीज़ें मिली है जिससे ये लगभग श्योर हो जाता है कि वहाँ के गौ तस्करों ने और कुछ वैसे लोगों ने जो गौ मांस का भक्षण करते हैं मिलके उसकी हत्या की प्लानिंग की और उसको मारा है। हम प्रशासन से पुरजोर अपील करते हैं और मंत्रीगण वहाँ के जो हैं उनसे अपील करते हैं कि इस हत्या की CBI से जांच कराई जाए। प्रशासन जो उदासीन है और संगठन के प्रति ही उनका जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है, संगठन के लोगों को ही वो लोग डांट रहे हैं, डपट रहे हैं, तो उनसे सहयोग करें, इस विषय को गंभीरता से ले और इसकी CBI से जांच कराई जाए, हत्याकांड की पूरी जानकारी लोगों तक पहुंचे और जो भी दोषी हैं उनको बिल्कुल दंड दिया जाए, उनको निष्कासित किया जाए और मंत्रीगण उसमें सहयोग करें संगठन का। हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि भाई भाजपा सरकार आई है तो हम लोगों को संगठन को सहयोग मिलेगा, लेकिन ऐसा प्रतीत हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है समझ के बाहर है हम लोगों के। अगर दोषी चिन्हित हो जाते हैं तो उन पर बुलडोजर कार्रवाई हो, जांच पूरी होने पे जो भी दोषी गण हैं उनको निष्कासित की, उनको एकदम बिल्कुल हटाया जाए अपने काम से और उनको एकदम बिल्कुल दंड दिया जाए। और भविष्य में ऐसी घटनाएं अगर कहीं पे भी सेंसिटिव इशू है तो प्रशासन का सहयोग रहे और सुरक्षा मिले संगठन को, ऐसा हम मांग कर रहे हैं। अगर प्रशासन अभी भी सचेत नहीं होता है तो प्रदेश स्तर पर हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और हम लोग सब बजरंग दल वाले विश्व हिंदू परिषद हम लोग उनको चेतावनी देते हैं कि आप संभलें, समझें विषय की गंभीरता को, समझें, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा इस पूरे प्रांत में और उनके जिम्मेदार अधिकारीगण होंगे, मंत्रीगण होंगे। सोमवार को आप लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं जी, इस किस विषय को? एक तो पहला ये हो गया, एक विषय ये है, दूसरा है कि यहाँ पे आचार संहिता के समय कुछ हिंदू कार्यक्रम थे, कुछ नवरात्र का भी आया था, तो उसमें हम लोगों को एक दुर्ग में चंडी मंदिर में चुनरी का एक कार्यक्रम होता है तो प्रशासन ने उसका हम लोगों को परमिशन नहीं दिया गया। 2 बार हम लोगों ने परमिशन मांगा, स्पष्ट तौर पे जो है हम लोगों को डिनायल कर दिया गया, मना कर दिया गया। लेकिन किसी और का कार्यक्रम कुछ हो रहा है उस कार्यक्रम से हमें आपत्ति नहीं है, उसका कार्यक्रम हो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये दुभात क्यों है, ये दो तरह की बात क्यों है कि हिंदू अगर कोई बात अपनी मनवाने जाता है तो उनको स्पष्ट तौर पे मना कर दिया जाता है, और दूसरी जगह आप जो है डबल स्टैंडर्ड ये क्यों है कि आप तुरंत परमिशन दे देते हैं। तो एक और दोहरा कांड जो हुआ बलरामपुर में और जिस तरह से उस पर विचार किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है, तमाम जो लोग हैं जो इस पर बातचीत कर रहे हैं और इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के जो रिपोर्ट तैयार हो रही है, वो रिपोर्ट जब सामने आएगी
और मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रशासन का कोई जिम्मेदार अगर ये बोलेगा कि जांच में ये कुछ पाया गया है, तो लगातार उस अपडेट के साथ हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन एक अपडेट का अब तक इंतज़ार है कि गनियारी में हुए एक कांड को लेकर के जिस तरह से दादी और पोती को बेरहमी से मारा गया, पुलिस अब तक वहाँ क्यों नहीं पहुँच पाई। इन तमाम सवाल के साथ मैं फिर से हाजिर होऊंगा, क्योंकि विदा भी इन्हीं तमाम सवालों के साथ हो रहा हूँ। तो आगे क्या कुछ रहेगा अपडेट, मैं लगातार आपको दिखाते रहूँगा। देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।